17वीं सदी के अखीर विच जद जुल्मां दे सरोवर लबालब भर गए, जालिम मुगलां ने अपने जबरदस्त शिकंजा चारे पासियों कसना शुरू कर दिता। कुछ हिंदुस्तानी हुक्मराना नूं डरा धमका के अपने नाल मिला लिया, जिन्हें जरा भी हील हुज्जत कीती उसनूं शरेआम कतल कर दिता। वह वेला सी कुछ वखरा करके विखाण दा, पैमान होए लोकां विच नवा जज्बा भरन दा, सहमी दुबकी अते सुत्ती हुई अणख नूं जगाण दा। आखिरकार 13 अप्रैल ईस्वी सन 1699 विसाखी वाले दिन हिंदुस्तान दे कोने कोने चों कलगीधर पातशाह ने चिट्ठियां भेज के संगतां नूं बुलाया अते संगतां दा ये भारी समूह आनंदपुर साहिब विच केसगढ़ दे स्थान ते एकत्रित होया। दीवान सजिया, कीर्तन रस दी वर्खा होई ते जदों जयकारे गूंज ही रहे सन, अचानक मेरे चोजी प्रीतम ने फड़के नंगी तलवार तंबू विचों बाहर आके ललकारा मारे। तंबू विचों बाहर आण के कहिंदे मारिया गुराने ललकारा, इक मैनू सिर चाहिदा अज साजना मैं पंत प्यारा, इक मैनू सिर चाहिदा अज साजना मैं पंत प्यारा।
गुरु साहब दे मुखों सिरां दी मंग सुन के सारे पंडाल विच चुप दी कहर वरत गई। सारियां संतां हैरान होकर एक दूजे दे मूंह वल वेखण लगियां, पर सिर देण लई कोई भी तैयार ना होया। दूजी वारी गुरु जी पूरे जोश नाल गरज के इंज बोले, दूसरी आवाज ते भी कोई ना उठिया, सगों सतगुरां दे हथ बिजली वांग चमकदी तलवार वेख के संतां दे दिलां विच डर बैठ गया। पंडाल विचों कोई ना उठिया वेख के गुरु जी फिर बोले, है कोई सूरमा जो मेरी देग दी प्यास बुझा सके? है तो उठो नित्रो। तीसरी हाक ते लाहौर दा वासी जात दा खत्री भाई दया राम गल विच पल्ला पा के गुरु चरणा विच हाजिर होया ते बोले, आपदा है दा।
बेनती गुजारे खरा गल पल्ला पाके तुसी वार तो चल्यावो मेरा सिर झट खाके तुसी वार तो चल्यावो मेरा सिर झट खाके मेरे खून ना बुझाओ तुसी तेज दिव्या खड़ा चर नाच सीस लेके आपदा है दास खड़ा चर नाच सीस लेके आपदा है दास सजना है तुसी अज पंथ नियारा हिस्सा ओदे विच पाउना चौंदा बागी भी विचारा हिस्सा ओदे विच पाउना चौंदा बागी भी विचारा छेती काजर जाओ जादा करो ना बिला खड़ा चर नाच सीस लेके आपदा है दास खड़ा चर नाच सीस लेके आपदा है दास खड़ा चर नाच सीस लेके आपदा है दास। भाई दया राम नू बड़े रोह नाल बाहों फड़के गुरु साहिब तंबू विच लै गए। अंदरों तलवार चलन की आवाज आई ते बिजली वर्गी तेजी नाल लहू पिजी तलवार लेके फिर दीवान विच आए अते संगतां कोलों एक होर सिर की मंग कीती। दूजी वारी हस्तनापुर दा जट भाई धर्मदास उठिया ते गुरु चरणा च बेनती करन लगा। बेड़ा पैग मार के गुरुजी सिर कट लो मैं।
भाई धर्मदास नूं भी तंबू विच लै गए। तेग चलन की फिर आवाज आई ते चट लहू नाल लिबड़ी तलवार लेके सतगुरु बाहर आए ते बोले, उठो कोई होर सूरमा जिहड़ा मौत नूं प्यार करदा होवे, सिखी दे महल दीआं नीहां भरन वास्ते मैनूं उसकी लोड़ है। तीसरी वारी द्वारका का वसनीक जात का छिंबा भाई हुकम चंद हाजिर होया। भाई मोहकम चंद नूं भी सतगुरु तंबू विच लै गए। हुण तक दा नज़ारा वेख के पंडाल विचों बहुत सारियां संगतां जा चुकियां सन। गुरु जी फिर दीवान विच आए ते गरज के बोले, मेरी तेग दी प्यास अजे तक नहीं बुझी, एक सिर दी होर लोड़ है, उठो कोई बली सूरमा। चौथी वारी जात दे नाई बिदुर देश दे भाई साहब चंद ने अपना सीस पेंट किया। बुलाई ओ बख्शो फुलनहार नू मैं देर लगाई, ओ बख्शो फुलनहार नू मैं देर लगाई। Oh, shit.
फुलनहार नू मैं बेल गई भाई साहब चंद नूं होर भी रोह नाल सतगुरु बाहों फड़के तंबू विच लै गए। सर सर करदी तेग चलण दी आवाज आई। पंजवीं वारी फिर सतगुरु तंबू विचों बाहर आए ते कड़क के बोले, आओ कोई होर सूरमा जिन्हों साडे नाल प्यार है, अपना सिर दिओ, तुहाडा गुरु एक होर सिर मंगदा है। पंजवीं वारी जगन्नाथपुरी दा चीवर भाई हिम्मत राय उठिया। करी
भाई हिम्मत राय नूं भी उसे तरह तंबू विच लै गए ते तलवार चलण दी फिर आवाज आई ते मुड़ तलवार लेके तंबू चों बाहर आ गए। इस बारी मुख ते शांति अते होठां ते मुस्कुराहट सी। तलवार नूं रुमाले नाल पूंझ के म्यान विच पा लिया। कुछ देर बाद पंजे सिंह केसरी चोले केसरी दस्तारा तेड़ कछहरे गलां विच गात्रे पाए बाहर आए। ये कुछ वेख के लोग हैरान रह गए। पंजां सिंघां नूं कलगीधर पातशाह ने अपने बराबर बिठा लिया। अमृत दा बाटा तैयार कीता अते पंजां नूं अमृत छका के पंज प्यारियां दी पदवी नाल निवाजिया। सतगुरु ने उन्हां दे नाम भाई दया राम तों भाई दया सिंह, भाई धर्मदास तों भाई धर्म सिंह, भाई मोकम चंद तों भाई मोकम सिंह, भाई साहिब चंद तों भाई साहिब सिंह अते भाई हिम्मत राय तों भाई हिम्मत सिंह रखे। फिर सतगुरां ने कहा कि हुण तुसीं सिंह अर्थात शेर बन गए हो। तुहाडे विचों जात पात का भेद भाव खत्म हो गया है। हुण मैनू भी अमृत छका के सिंह सजा दिओ। तां अगों पंज प्यारे कहण लगे।
पंज प्यारियां दे मुखों ए गल सुन के चोजी प्रीतम बहुत खुश होए ते बोले, तुसी ठीक कहा है, इस अमृत की कीमत तारनी कोई आसान गल नहीं, ये बहुत ही अणमुली वस्तु है, पर मैं इस अमृत दे सदके अपना सारा सरवंश इस अमृत तो वार देंगा। पंज प्यारियां तो अमृत छक के हुण आप गोविंद राय तो गोविंद सिंह बन गए। पहला अपने चेले बनाए अते फिर चेलियां नू गुरु बना के उना दे हथों अमृत छकिया। आपने दुनिया उत्ते एक नवी मिसाल कायम की। Thank you.
प्यारे खालसा जी, ये अमृत की दात चोजी पातशाह ने आनंदपुर की धरती से वंडी। इसे अमृत शक्ति नाल एक एक सिंह सवा सवा लख नाल लड़िया। सिंह सूरमिया ने जाबर हाकमा नाल डट के लोहा लिया अते जुल्म दे हनेरे नू चीर के सच दा सूरज चाड़िया। खास कर ले भी सुन खालसा।